नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले महिंद्रा थार 4x4 के LX वेरिएंट के बारे में। ये टॉप एंड वेरिएंट है और रियल महिंद्रा थार है, 4x4 है। बात करें इसके प्राइसिंग की तो इस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 15,35,000 रुपये। तो शुरुआत हम इसकी चाबी से कर लेते हैं। कुछ ऐसी आपको इसमें की देखने को मिलती है, पीछे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और इसमें लॉक अनलॉक और ये जो है बटन मिल जाता है कुछ इस तरीके का, जो कि आप अगर गाड़ी ढूंढने में आपकी हेल्प कर देता है। तो शुरुआत जो हम इसके फ्रंट प्रोफाइल से कर लेते हैं एक बार और इसकी कीमत बता देता हूँ। इसका जो प्राइसिंग है वो है 15,35,000 रुपये। ये जो है एक्वा ब्लू कलर आप सामने देख रहे हो। शुरुआत जो हम इसके फ्रंट प्रोफाइल से कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें जो है DRL देखने को मिल जाती है, जो इंडिकेटर मिल जाता है और हेलोजन में आपको जो है काफ़ी बड़ा सा गोल हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको इसमें फॉग लैम्प भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ ऐसा आपको इसमें रफ ब्लैक कलर में काफ़ी बढ़िया सा बम्पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपको थार की बेजिंग मिल जाती है, यहाँ पर महिंद्रा की बेजिंग मिल जाती है और कुछ इस तरीके के आपको इसमें ग्रिल देखने को मिल जाती है। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया और अपीलिंग लुक देखता है थार का। और अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल की तो कुछ ऐसा आपको इसमें साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 226 यानी 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिलेगा फेंडर पर और टायर जो आपको मिलेंगे इसमें 18 inches के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। आगे की तरफ डिस्क और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल मिलता है 255/65 R18 का। यहाँ पर आपको जो है ये C8 के टायर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया टायर यहाँ पर मिल जाते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको इसमें 226 mm का। ये ORVM जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। यहाँ पर आपको थार की बेजिंग मिल जाती है और ये बोनट ओपन करने के देखेंगे तो आपको ओल्ड स्कूल टाइप में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। डोर हैंडल कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये फुटरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर जो है ये थार का DNA असली 4x4 की बेजिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये हार्ड टॉप वाला वेरिएंट है, LX हार्ड टॉप, जिसका एक शोरूम प्राइस है 15,35,000 रुपये। पीछे के आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे पीछे की तरफ और ये जो क्लेडिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लुक प्रोवाइड करती है। इसमें पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। पीछे की तरफ दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे। पांचवा भी आपको इस गाड़ी में अलॉय व्हील देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको जो हेलोजन टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है, जिसके अंदर आपको थार की बेजिंग मिल जाती है और ये कुछ इस तरीके की टेल लाइट मिल जाती है। यहाँ पर 18 inches का अलॉय व्हील आपको पीछे की तरफ में मिल जाता है। और बूट स्पेस की बात करें तो कुछ इतना आपको जो इसमें बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पर आपको ये एक हैंडल भी मिल जाता है और पीछे आपको जो है डिफॉगर भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो इसमें आपको जो है 57 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। ये एक्वा ब्लू कलर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है MHOG की बेजिंग मिल जाती है, MHOG 130 PSPU क्योंकि ये निकालता है। यहाँ पर एंटीना देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कुछ इस तरीके का आपको इसमें लुक देखने को मिल जाता है। अब हम जो इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो डोर हैंडल कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, ऑल ब्लैक थीम में। यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर आपको थार की बेजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन ऑन रख सकते हैं या इसे ग्रैब करके गेट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं और ये जो है बोतल होल्डर की स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो है ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ ड्राइवर की सीट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन और ये जो है MID के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर AC वेंट्स कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ग्लॉस ब्लैक में। सीट्स कुछ इस तरीके की मिलती है इसमें, फैब्रिक सीट्स, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पर होती है। अगर इंटीरियर की तो ऑल ब्लैक थीम में आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, पूरा ऑल ब्लैक थीम में। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ ऐसा आपको इसमें स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है सिल्वर फिनिश मिल जाती है। ये जो है इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ये वाइपर के कंट्रोल्स और ये जो है हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात की जाए तो इसमें टिल्ट, केवल टिल्ट एडजस्टमेंट ही मिलेगी, टेलीस्कोपिक यहाँ पर नहीं मिलती है। और MID ये क्लस्टर की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें क्लस्टर मिलता है। ये जो है RPM मीटर और ये स्पीडोमीटर मिल जाता है। बीच में एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको जो है रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, TPMS, DPF लेवल, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको ये दिख जाती है। डिस्टेंस टू MT, ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। यहाँ पर आपको ये एवरेज भी दिखा देता है और ये ऑडोमीटर, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। और सेंटर कंसोल यानी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 7 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में आता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं है, वायर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैनुअल IRVM देखने को मिल जाता है। सनवाइजर कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। इस साइड कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है और इस साइड आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है।
पूरा हार्ड टॉप है ये। यहाँ पर आपको एसिवेंट्स कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। ये जो है कार्बन फाइबर से फिनिश मिल जाती है और ये जो है पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं एसिवेंट्स। मैनुअल एसी मिलेगा आपको इसमें। यहाँ पर आपको ये एयरबैग का बटन मिलता है और ये जो है एयरबैग ऑन ऑफ करने का। यहाँ पर पैसेंजर साइड का ये सीट बेल्ट का वार्निंग ऑफ करने का। ये जो है हैजार्ड का बटन मिल जाता है। यहाँ पर ट्रैक्शन का बटन, ये हिल डिसेंट कंट्रोल का, और ये जो है पावर विंडो लॉक करने के लिए है। ये जो है डोर लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है ये स्पेस मिल जाती है। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है इसमें। ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है ये 4x4 का गियर लीवर मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है ये पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, एक USB का पोर्ट मिल जाता है और एक जो है ऑक्स का पोर्ट भी इसमें देखने को मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो है ये मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है और 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा महिंद्रा थार इंडिया लिमिटेड और मॉडल थार सीरियल नंबर, बाकी वो ओल्ड स्कूल टाइप में। यहाँ पर आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा जिसमें मुश्किल से कोई सामान आ पाए। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है वही ओल्ड स्कूल फील देने के लिए। अब हम जो इसके रियर सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं कि एक 6 फुट का बंदा रियर सीट्स में कंफर्टेबली बैठ पाता है या नहीं। करें इसके रियर सीटिंग कंफर्ट की, तो यहाँ से आपको ये सीट जो है इसको ऐसे एडजस्ट करके आगे करना पड़ता है। बस यही एक दिक्कत है थार में, थार महिंद्रा जो है 5 डोर थार ले आए तो क्या ही दिक्कत। ये देखो पीछे करना है इसको सीट को। ओके सर। ये देखो मेरी हाइट 6 फीट है ना, तो मेरा हेड टच हो रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखो लेग रूम भी काफ़ी बढ़िया है, नी रूम भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर थोड़ा सा बस यही है ग्लास का, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और पीछे भी आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। 2 बंदे पीछे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बस यही है थोड़ा चढ़ने उतरने की दिक्कत है, बाकी महिंद्रा थार 1 नंबर गाड़ी है यहाँ पर। अब हम जो इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन की माइको खोल। तो जी इंजन आपको इसमें मिलता है 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन, 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 130 bhp की और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये जो है काफी गर्म हो गया, तो ये कुछ ऐसा इसमें इंजन भी देखने को मिल जाता है। 2200 cc का इंजन मिलता है जो कि 130 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। माइलेज की बात की जाए तो इसका जो कंपनी क्लेम्ड माइलेज है वो है 15-16 का, लेकिन ये गाड़ी आराम से 13-14 का माइलेज निकालकर दे देती है। तो ये थी आज की वीडियो महिंद्रा थार की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट देखना है तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।